बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मनीष कश्यप को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इससे पहले ही उन्होंने ऐलान किया था कि वो पश्चिमी चंपारण सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कि मनीष कश्यप ने बीजेपी में आने के बाद क्या कहा। ये सम्मान एक गरीब परिवार के लड़के को जो है वो बीजेपी ही दे सकता है, दूसरी पार्टी नहीं दे सकती है। बिहार में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जहां पे अगर सूटकेस भर के आप नहीं लेके जाएंगे तो वो पार्टी जो है वो अपने में ज्वाइन भी नहीं कराती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब कि गरीबों का सम्मान करती है, हमारे जैसे युवाओं का सम्मान करती है, यूट्यूबर का सम्मान करती है, एक माँ का सम्मान करती है। तो बीजेपी एक अलग पार्टी है और दुनिया की इसीलिए सबसे सशक्त, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी बनी है क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में हैं और वो जो है हमेशा ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोगों को काम करना है। और इस वजह से जो है मेरी माँ जो है वो नरेंद्र मोदी जी की फैन है और माँ ने कहा, मनोज भैया बिहार आए थे, माँ से मिले और माँ ने कहा कि नहीं आपको मोदी जी के साथ काम करना है, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्या आशीर्वाद और मार्गदर्शन जो है जिसे मतलब कि बस राष्ट्रवाद के लिए मैं काम करता रहूंगा और जब मैं पहले भी राष्ट्रवाद के लिए काम करता था तो कुछ पार्टियां जो है मुझे फंसा के जेल में डाल दी थी, हालांकि कोर्ट में मुझे भरोसा था और बीजेपी के बहुत सारे नेतागण मेरा साथ दिए, मनोज भैया, संजय मयूख जी और सुशील मोदी जी, विनोद तावड़े जी का आशीर्वाद रहा, विनोद तावड़े जी से मेरी माँ मिली हुई थी, पत्र भी दी थी, तो विजय सिन्हा जी, ऐसे ऐसे लोगों ने बहुत साथ दिया, नित्यानंद राय जी ने साथ दिया, तो मैं आज जो है अगर जेल से निकल पाया हूँ सही सलामत तो माँ का आशीर्वाद और बीजेपी के अनेकों नेताओं का साथ, इसलिए मैं निकल पाया हूँ। तो माँ ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर आप काम कीजिए और मैं काम कर रहा हूँ। माता जी बात करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके बेटे ने ज्वाइन किया है, जब नड्डा जी से मिले हैं अभी, इन्होंने बताया कि मोदी जी को आप बहुत मानते हैं, कैसे देखना चाहेंगे? आज बहुत हम खुश हैं कि जो मेरा बेटा बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, बहुत खुश हैं, हमारे कहना माना, हम मान कर जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब नड्डा जी और मोदी जी के जो आशीर्वाद से पार्टी में बेटा है आपका, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा से देखते हैं, हमको अच्छा लगा बीजेपी तो हम सौंप दिए जी, बीजेपी में जाकर ज्वाइन कर लिए बस। आपको बता दें कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव में उतरना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। इससे पहले भी वो साल 2020 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप चर्चा में है। इससे पहले भी वो फर्जी वायरल वीडियो के मामले में गिरफ्तार हो चुके थे। मनीष कश्यप को करीब 9 महीने जेल में बिताने पड़े थे। इसके अलावा मनीष की पहचान एक सक्सेसफुल यूट्यूबर की है। उनके यूट्यूब पर करीब 8.75 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो अक्सर ही बिहार से जुड़े कई सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।